अंग जनपद की लोक भाषा अंगिका अपने परिचय को मोहताज होती दिख रही है, जहां अंगिका भाषा को उपेक्षित करने के अलावा कुछ भी आज तक नहीं मिला है। जिस तरह मैथिली भाषा, बांग्ला भाषी, भोजपुरी भाषा के अलावा कई भाषा पर सरकार विशेष ध्यान देती है, उसके हिसाब से अंगिका भाषा पर अब तक उस तरह का कोई भी विचार नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते अंगिका भाषा उपेक्षित होती चली जा रही है। अंगिका भाषा की संवैधानिक मान्यता को लेकर आज अंग क्षेत्र के लोगों ने एक विशाल धरना का आयोजन किया, साथ ही प्रदर्शनकारी लोगों ने कई मांगों को भी इसमें रखा, जैसे अंगिका भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ी जाए, भागलपुर स्टेशन बस स्टैंड में उद्घोषणा अंगिका में भी की जाए, अंगिका भाषा से नौकरी दी जाए, विश्वविद्यालय में अंगिका पर विशेष कार्य हो, अंगिका भाषा पर सिनेमा, टीवी सीरियल, वेब सीरीज बनाई जाए, अंगिका भाषा के लिए कभी साहित्यकार जैसे खास लोगों को पुरस्कृत किया जाए, इसके विकास के लिए एक विशेष संस्थान बनाया जाए जिससे यह फल फूल और आगे बढ़ सके। वहीं प्रदर्शनकारियों ने भागवा आजाद अंगिका केंद्र विश्वविद्यालय खोलने की भी बात कही, साथ ही अंगिका को जल्द से जल्द दूसरी राजभाषा घोषित करने की उन्होंने बात कही। हम्मा सिनी बैठला छे अंगिका भाषा के सम्मान ने ली, अपने सिनी आए तो अंगिका में बात करी रहलो छे, लेकिन की हमेशा पूछे छे सवाल अंगिका में, तो ई चाहे छे की जब अंग प्रदेश के बात आवे तो अंगिका में बात हो, चाहे वो जहाँ भी हो, जेना की बाकी सिनी भाषा के लोग अपना भाषा के, अपनी मातृभाषा के प्रति इतना गर्व दिखावे छे, हमरो सिनी का होना चाहिए की अंग प्रदेश के वासी होय के नातो अपना भाषा पर सम्मान करिए, गर्व करिए, लेकिन ई होय नै छे, त एकरा सम्मान ले लिए हम्मा सिनी धरना करलो छे। त मातृभाषा में चूंकि भाव के उद्रेक हर चीज के, चाहे वैज्ञानिक स्तर पर हुआ, सांस्कृतिक स्तर पर हुआ, आर्थिक स्तर पर हुआ, सब चीज हर पब्लिक का, हर जनता का माय के ही गोद से सीखी ले छे। एकरा दबा लीजिए, एक सूक्ष्म साजिश छे ये भाषाईक साम्राज्यवादी ताकत के, ओकरो तहत अनजाने हमरा सनि कुंठित हो गेलो छे। आरो अंगिका भाषी खास करी के आरो सनि अगल बगल के भाषा के मान्यता प्राप्त हो रहल छे, हमरा सनि बहुत पीछू पड़ी रहल छे, अंगिका एकरा में बहुत उपेक्षित छे, एलि अंगिका के जन जागरण के बहुत ही आवश्यकता छे, ताकि ओकरो जे अनजान में जे ओकरो शोषण होय छे उ शोषण नहि हुए। यहाँ अंगिका समाज के लोग अपना पूरा व्यवस्था के साथ जुटलो छे, हमरो अंगिका समाज के लिए अंगिका भाषा के प्रति जे उपेक्षा के भाव छे, जे कमी छे, जे हमरा सनिक साथ उपेक्षा के भाव देखेलो जाय छे, ओकरा दूर करै लेली सब यहाँ जुटलो छे, आओर धरना के रूप में, सांकेतिक रूप से हमरा सनिक धरना दे रही छे, हमरा सनिक जितना समस्या छे ओकरा दूर करलो जाय। भागलपुर के गौराडी थाना क्षेत्र में 14 जून को सुमेश मंडल की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसको लेकर अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस एड़ी चोटी एक कर रही थी। वहीं दो दिन पहले 7 लोगों को गौराडी की पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 बजे रात में ही थाने पर बुलाया था, उसके बाद उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने पूछताछ के क्रम में सबों के हाथ पैर को बांध कर करंट लगाकर उनकी जमकर पिटाई की, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कबूला तो एक युवक के प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालकर थर्ड डिग्री इस्तेमाल करते हुए उसकी जमकर पिटाई की। ऐसा कहना है जिन 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर थाने लाया था उन 7ों का। गौराडी पुलिस के इस रवैये से पूरे इलाका सदमे में आ गया है। क्रूर पुलिस या कार्रवाई के थर्ड डिग्री अप्लाई करने से सभी लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा था, जिससे मिलने सांसद अजय मंडल पहुंचे और उन्होंने कहा कि जल्द न्याय मिलेगा और दोषियों को इसकी सजा मिलेगी। एसपी साहब के संज्ञान में दिया है और आगे आगे की क्या कार्रवाई होगी? सुल्तानगंज नगर परिषद के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने की। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, कार्यपालक पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, उप सभापति नीलम देवी मौजूद थे। इस बैठक में वार्ड नंबर 28 के पार्षद के साथ संयुक्त बैठक करते हुए श्रावणी मेला की तैयारी, हर घर नल योजना, नाला निर्माण, बिजली, साफ सफाई, दक्षिण क्षेत्र वार्ड में जल जमाव, सुल्तानगंज का नाम अजगैवीनाथ धाम रखने व सुल्तानगंज को अनुमंडल बनाने के लिए प्रस्ताव लिया गया और विभाग को इसके लिए पत्र अब भेजा जाएगा, इसकी स्वीकृति ली गई। इस दौरान विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल ने मीडिया को बताया कि गंगा घाट किनारे कांवरियों को चलने के लिए 165 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराया जाएगा। कृष्णानंद स्टेडियम को घेराबंदी अपने फंड से वो करवाएंगे और स्टेशन रोड, बाईपास रोड, NH 80 रोड निर्माण के लिए विभाग से बातचीत की गई है, जो जल्द ही निर्माण का कार्य किया जाएगा। साथ ही नगर सभापति राजकुमार उर्फ गुड्डू ने मीडिया को बताया कि श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर गंगा घाट व मेला क्षेत्र में बिजली, पानी,
पानी साफ सफाई पर प्रस्ताव लिया गया है। सामान्य बोर्ड की बैठक नगर परिषद के सभागार में की गई, जिसमें बहुत अहम फैसले लिए गए। सर्वप्रथम गत बैठक की संपुष्टि थी, क्योंकि हमारा बीता बैठक जो है बजट पे था तो वो सर्वसम्मति से पारित हो गया था। नल जल पे विचार था तो संबंधित सभी वार्ड के माननीय पार्षदों के द्वारा जो जिन विषयों से अवगत कराया गया, जो भी परेशानियां हैं उसे अति शीघ्र दूर करने का निर्देश दिया गया। साथ ही श्रावणी मेला 2024 पर जो विचार था, तो आगामी श्रावणी मेला जो 22 जुलाई से हमारे यहाँ शुरू होने वाला है, उससे संबंधित जो है नगर परिषद का जो दायित्व है, साफ सफाई, अन्य जो भी कार्य है, मरम्मति कार्य है, रंग रोगन है, शौचालय है, पानी की व्यवस्था है, और इस बार जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी के द्वारा भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो उनके अनुपालन हेतु सारे कार्य जो है नगर परिषद से कराया जाना है। इसमें कुछ शहरात्मक बस्ती भी बात है, उसी कार्य को भी नगर परिषद द्वारा कराया जाना है। श्रावणी मेला के पहले ही पोर्टेबल बनाने की बात हुई है, तो हमने डीएम साहब से बात किया, डीएम साहब ने कहा कि हम इसको पोर्टेबल बना देंगे, कहीं नहीं बनाएगा बहुत दिक्कत होगी। आश्वासन कब तक? श्रावणी मेला के पहले जब पोर्टेबल हो जाएगा, डीएम साहब सबके सामने बात हुई। उसके बाद स्टेशन रोड की बात हुई, तो हम ADRM और DRM से बात की है, वो बोले कि सर आप अपना लेटर पैक करके हमको लिख के भेजिए, हम उसको करवा रहे हैं। रेलवे क्वार्टर मंदिर और वहाँ तक स्टेशन रोड पे जो टर्न मिलती है उसको बनाने के लिए हमने अपने इंजीनियर को खुद मंत्री सड़क योजना से उसको कहे कि इसको लिखिए, हम सरकार को लिखेंगे, और तब तक ये लोग पोर्टेबल बना देगा, उसको करवा देंगे। यूं तो एक तरफ बिहार सरकार व भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन भागलपुर के सबौर प्रखंड के खानकेता पंचायत के संतोष कुमार सिंह के बेटे बेटियों ने एक मिसाल कायम किया है। उनके तीनों बेटे बेटियों ने बचपन से ही कराटे का प्रशिक्षण लिया, कई गोल्ड मेडल जीते, कई प्रमाण पत्र लिए, साथ ही भारत के कई राज्यों में उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और अपना लोहा बनवाया। वहीं संतोष कुमार सिंह की पुत्री कल्याणी कुमारी व उनके बेटे से जब बातचीत की गई इस बारे में, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आत्मनिर्भर होना हम लोगों की पहली प्राथमिकता है और हम लोग चाहते हैं कि हम किसी के सहारे नहीं चले, इसलिए हम लोग जूडो कराटे सीखना प्रारंभ किए हैं और यह गांव में पहले परिवार हम लोगों का है जो परिवार के सभी लोग आत्मनिर्भर होने के लिए जूडो कराटे सीख रहे हैं। यह हम लोगों के लिए गर्व की बात है, साथ ही साथ गांव वाले भी इससे प्रेरित होकर इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं नौकरी भी किए या कहीं बाहर भी गए तो अपना सुरक्षा अपने से कर सकते हैं। कहीं मान लीजिए कि हम आर्मी में नौकरी हो गया तो वहाँ पे पहले से ट्रेन रहेंगे तो वहाँ पे भी करने में इजी ही रहेगा और हम लोग आगे जा सकते हैं, आगे पोस्ट में जा सकते हैं और अपना मतलब कर सकते हैं वहाँ पे। मन में बचपन से ही रुचि था, छोटे थे ना तब से रुचि था कि हम भी आगे कुछ सीखें, किसी पे डिपेंड रहने किसी को ज़रूरत नहीं है। बचपन से ही था हम लोग को कि सीखे आगे का हटा हम लोग ज्वाइन करें। कोई लड़का है वो तो स्ट्रांग रहता ही है गर्ल्स से, ऑटोमेटिक है, तो हमको भी किसी पे मतलब रहना नहीं, निर्भर नहीं रहना है कि वो मेरे साथ चलेगा तो हम किसी पे निर्भर रहेंगे, वो हमको सपोर्ट करेगा, ऐसा मेरे मन में नहीं है। हमको है कि अपने से अपने में रक्षा करना है, कि कोई किसी पे डिपेंड रहना नहीं चाहते हम, कि कहीं बाहर भी चले गए तो सोचते हैं कि पापा चले भाई चले तो रक्षा करेगा, मेरा क्या होगा बाहर में, वो मेरे मन में नहीं है। कि हम कहीं और भी चले गए तो अपना कर सकते हैं रक्षा, किसी पे जरूरत नहीं है। कहीं से मेडल वगैरह प्राप्त हुई है? हाँ मिला है, झारखंड गए हैं, पटना गए हैं, गोड्डा गए हैं और बहुत जगह सीमांत जगह गए हैं, बहुत जगह गए हैं। सर्टिफिकेट वगैरह भी प्राप्त हुई है? हाँ सर्टिफिकेट भी मिला है। आजकल बॉक्सिंग में देख ही रहे हैं कि लड़की लोग पूरा मतलब गोल्ड मेडल ला रही है, हम भी सोचते हैं हम भी अपने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाए और कहीं भी जाए जॉब करे तो उसमें किसी पे रक्षा करने की जरूरत मतलब अपने निर्भर किसी को नहीं रहना है, वहाँ पे करेंगे। उद्देश्य है कि नेशनल गोल्ड मेडल लाने का, देश के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए और ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल पाने की इच्छा है। कहीं से मेडल वगैरह प्राप्त हुई है? हाँ झारखंड से पटना गए, सिवान गए, वहाँ से मेडल प्राप्त हुई है। कितने मेडल अभी तक प्राप्त हुई है? लगभग 5 मेडल प्राप्त हुए। सर्टिफिकेट भी मिला है? हाँ। कितने सर्टिफिकेट है? लगभग 5 है। ये मन में ये रुचि कब से आई सीखने को? बचपन से ही रुचि थे। इसमें किनका सहयोग है? पापा का सहयोग है, टीचर का सहयोग है और फैमिली का सहयोग है।
अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकूल, जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है, उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है, उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर में बरसों से सड़क निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बीच जिला प्रशासन दंडाधिकारी को तैनात कर 0 माइल थाना क्षेत्र के मीराचक मोहल्ले में सड़क निर्माण का कार्य करवा रही है। लंबे इंतजार के बाद सड़क बनने से लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन इसी बीच मजिस्ट्रेट एवं अन्य पुलिसकर्मियों से स्थानीय कुछ लोग उलझ गए, साथ ही कई राउंड फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि निजी जमीन बताकर ये लोग बिहार सरकार की जमीन को कब्जा करना चाह रहे थे, जिसको लेकर कई वर्षों से विवाद के कारण वहां सड़क नहीं बन पाया था। उसके बाद अंचलाधिकारी कई प्रक्रिया पूर्ण कर मजिस्ट्रेट की तैनाती में सड़क का निर्माण कार्य करवा रहे हैं। सड़क नहीं बनने के कारण आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। स्थानीय माला सिंह ने बताया कि स्थानीय दबंगों के द्वारा बिहार सरकार की जमीन को निजी जमीन बताया जा रहा है, जिसके कारण सड़क अब तक नहीं बन पा रहा था। आसपास में ही स्कूल है, जिसमें बच्चों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इधर फायरिंग की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कल ये मामला न्यूज में आया था और इसको SDPO सिटी जांच भी किए हैं SDO के साथ में। एक सड़क निर्माण कराया जा रहा है सरकारी जमीन पे, एक परिवार इनका विरोध कर रहे हैं, उनको उनकी सारी बातों को सुन लिया गया है तथा मजिस्ट्रेट की प्रतिवृत्ति की गई है, और जो गोली चलने की बात है इस पर जाँच किया गया है, ये बात बिल्कुल गलत है, और वहाँ फोर्स की प्रतिवृत्ति की जा रही है ताकि किसी तरह का भी समस्या उत्पन्न न हो। जो पीड़ित व्यक्ति है उनको तो समस्या है, तो न्यायालय का शरण ले सकते हैं। मामला कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती कर रहा था उन लोगों के पास। प्रकाश यादव जी हैं, एक यही मोहल्ला के हैं, तो उनके पास कोई पेपर ऊपर नहीं है, ये बिहार सरकार की जमीन है, फिर भी वो दावा करते थे कि नहीं मेरा रजिस्ट्री है मौखिक, कोई पेपर नहीं है। जब पेपर रहता तो CO साहब क्यों उन्हें सिक्योरिटी नहीं देते, इसी को लेकर जो है। हाँ, यही लेकर के वो मतलब अपना बोल रहा था कि मेरा है, नहीं बनने देता था, गाली गलौज भी कर देता था, जो मन होता था करता था, इसलिए हम लोगों को प्रशासन के यानी कि दबंगई कुल मिला। हाँ, मिला जुला कर वही कही है, तो जहाँ बात दबंगई की आ गई, नहीं बनने दे रहा है तो दबंगई ही हुई ना। हाल में जान ही रहे हैं कि मेरे घर में शीशा टूटा है, एक नहीं पाई थी लेकिन शीशा टूटा है, सबको पता है, गाली गलौज करते हुए भागा के बड़का नेता पुलिस कोर्ट मनवा के बोल रहा है तुम लोग को मरवा के यहाँ से भगाएंगे, नहीं तो यहाँ से उठ के चली जाओ, तुम लोग का जमीन नहीं है, यहाँ से निकलो नहीं तो मरवाएंगे सबको, देखेंगे तुम लोग को कौन बताता है। इसके पहले भी रोड बनाने आया था क्या? CO साहब बोले हैं कि हमने कोई जमीन तुम्हारा रोड बनाने का। CO साहब से अभी हम बात किए, CO साहब बोले SDO सर के पास, या मैं SDO सर के पास भी गया, SDO सर बोले हैं कि कोई ऑर्डर नहीं है, ये लोग मान नहीं रहा है बात SDO सर का भी।
हम कहते हैं यदि किसी को परमिशन है तो आप कागज दिखाइएगा ना कि देखिए बच्चे कुछ बोलने जाते हैं तो लेडीज पुलिस मंगा के धक्का मरवाते हैं। यहाँ मेरे ससुर जी इनको मार के वहाँ से धक्का मार के फोर्स से यहाँ निकलवा के भगाएंगे। तुम्हारा जमीन ना यहाँ जाओ कर लिया। कितना जमीन निकाला था? 21 डिसमल जमीन निकाला था हमारा। अच्छा आप हाँ। कितने जमीन के लिए यहाँ करें? 21 डिसमल के लिए। 21 DCLR से सारा कुछ हो गया? नहीं, DCLR के यहाँ केस चल रहा है। जब ये लोग बलजबरी करने लगा तब हम अपना वकील साहब को हाईकोर्ट दिए पटना रीट फाइल करने के लिए। ये लोग बलजबरी करता है फोर्स लेकर के तो पटना हाईकोर्ट चली गई। कौन है वो वकील साहब? जो बना रहे हैं ये कोई मजिस्ट्रेट है? मजिस्ट्रेट बोला हम मजिस्ट्रेट है, SDO साहब ने दिया है। लेकिन SDO साहब के हम आज सवेरे से जो बैठे 12-1 बजे से तब कोर्ट खत्म हो गया। खत्म होने के बाद जब मिले हम वहाँ के पेशकार साहब हमको मिलवाए तो मिलने के बाद में तो सब SDO साहब बोले हमको समझा दिए कि देखो हमने तुम्हारे जमीन पर रोड बनाने का आदेश नहीं दिया है। अच्छा SDO साहब बोले? हाँ, और हमने यही दिया है कि जो सो मार झगड़ा नहीं हो इसलिए हमने फोर्स दिया है। और कहीं उससे पूछना कि जो सो हमने जमीन पर तुम्हारे जमीन पर हम आदेश दिया है? नहीं, हमने जमीन पर आदेश नहीं दिया है। भागलपुर जिले के गौराडीह प्रखंड में 6 दिन पहले किसान सुमेश मंडल की गला रेत कर हत्या करने पर जदयू अति पिछड़ा के जिलाध्यक्ष महेश दास आज पीड़ित परिवार से मुलाकात करने व उनका हाल चाल जानने के लिए पहुंचे। पीड़ित परिवार को उन्होंने सहायता राशि दिलाने के लिए दूरभाष पर अंचलाधिकारी से बातचीत की और तत्काल सहायता राशि देने की बात कही। साथ ही उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए थानाध्यक्ष से बातचीत कर सभी अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने की बात भी कही। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बताया कि जमीन विवाद होने पर यह हत्या गई है और जदयू अति पिछड़ा जिलाध्यक्ष महेश दास के द्वारा सरकार की ओर से सहायता राशि दिलवाने का आश्वासन देने पर उनके प्रति आभार व्यक्त किया। तो उसे जिस तरह से बता रहे हैं कि जमीनी विवाद, जमीन सब यही धरा रहेगा, कोई लेके नहीं गया, तो ये तो बहुत ही गलत में बहुत ही समाज में गलत मैसेज आता है इससे, किसी भाईचारे का हत्या करना ये बहुत ही गलत बात है। फिर भी हमने इनके परिवार को आश्वासन दिए हैं कि जो भी हमारी सरकार द्वारा दी जाने वाली ऐसी समाज को सहायता राशि के रूप में, हमने अभी CEO साहब से बात किया तो उन्होंने आश्वासन दिया जो भी होगा यथासंभव हम उनको मदद करने का प्रयास करेंगे। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी सजावार है, जिसने भी गलती किया है उसको सजा जरूर मिलेगी, उसके लिए आप लोग निश्चित रहिए। और हमारी सरकार में कोई भी अपराधी बचता नहीं है, वो जरूर ही सजा उनको मिलेगा। जमीन विवाद 2013 से चल रहा था। किससे? व्यापारी मंडल से। और उसका जो है तो केस कोर्ट में चल रहा था और घटना से 8 दिन पहले शुक्रवार के दिन ही थोड़ा सा विवाद हुआ था। किससे? व्यापारी मंडल से। उसमें से वो बोला था कि दोनों बाप बेटा को मरवा देंगे और 8 दिन पहले वो बोला था और 8 दिन बाद 7 दिन बाद शुक्रवार के दिन ही मेरे पापा का हत्या कर दिया गया, गला रेत कर हत्या कर दिया गया। गौराडी थाना क्षेत्र अंतर्गत बीते दिनों सुमेश मंडल हत्याकांड में संदिग्ध के नाम पर 5 बेगुनाहों को थाना ले जाकर बुरी तरह से पीटने, प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने के मामले में SSP के निर्देश पर मामले की हुई जांच में थानाध्यक्ष शांता सुमन को पद से हटा दिया गया है। साथ ही दरोगा सनोज कुमार को लाइन हाजिर किया गया है। वही मामले में CTSP ने कहा की प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डालने और करंट लगाने की बात बिल्कुल झूठी है। जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनसे सख्ती से पूछताछ जरूर की गई है, उन्होंने इस बात को नहीं कबूला है। वही थानाध्यक्ष और दरोगा पर कार्रवाई हुई है और आगे मामले की जांच की जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर उन लोगों के साथ थाने पर ज्यादती नहीं की गई तो जख्म कैसे हैं और थानाध्यक्ष दरोगा पर फिर कार्रवाई क्यों की गई? कल जो मामला प्रकाशित हुआ था इस संबंध में प्रारंभिक जांच किया गया। जांच में जो उनके प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल और करंट लगाने की जो बात है इसकी पुष्टि नहीं हुई है और अन्य बिंदुओं पर भी अनुसंधान चल रहा है और इसमें अभी चिकित्सा रिपोर्ट भी अप्राप्त है। विधि व्यवस्था प्रशासनिक दृष्टिकोण को देखते हुए थानाध्यक्ष शांता सुमन तथा थाना में पदस्थापित सनोज इन दोनों को लाइन क्लोज किया गया है। इसमें आगे इंक्वायरी चल रही है।
भागलपुर में युवा धीरे धीरे रोजगार की तरफ रुख कर रहे हैं। ऐसे में खासकर युवा अब बकरी पालन की ओर भी अपना रुख करते दिख रहे हैं। बकरी पालन को लेकर युवाओं में खासा क्रेज दिखा जा रहा है। ऐसे में बकरी पालक के सामने फिलहाल गर्मी के दिनों में उसके बच्चों को बीमार होने से बचाना एक बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि गर्मी के दिनों में बकरी के बच्चों को निमोनिया की शिकायत अधिक देखने को मिलती है। ऐसे में उसका बचाव ही एकमात्र उपाय है। गर्मी के दिनों में बकरी के बच्चों को बचाना बड़ी चुनौती है। गर्मी के दिनों में बकरी के बच्चों को निमोनिया जैसी बीमारी अधिक होती है। ऐसे में जब पशुपालन अधिकारी डॉक्टर रणधीर कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि बच्चों को धूप में रखते हैं और दोपहर में पानी पिला देते हैं। ये उसके लिए खतरनाक है। दोपहर के समय बकरी को बिल्कुल चराने के लिए न ले जाएं, क्योंकि बकरी अधिकतम तापमान 40 से 45 डिग्री तक बर्दाश्त करती है। ऐसे में अगर इससे अधिक तापमान है तो तुरंत पंखा उसे दिया जाए, जिससे उसका तापमान नियंत्रण में रहे। बकरी पालन काफी मुनाफादायक भी है। वहीं जब इसको लेकर बकरी पालन कर रहे अंजनी कुमार से बातचीत की गई, तो उन्होंने बताया कि बकरी पालन काफी मुनाफादायक है, लेकिन इसके बच्चे को बचाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर सभी चीजों को मैनेजमेंट सही तरीके से कर लिया जाए तो बच्चों को भी बचाया जा सकता है। ये देखिए, ये ओकेजनल आप देख सकते हैं, ये महामारी के रूप में नहीं देख सकते हैं। जो भी बच्चा थोड़ा सा इम्यून डेवलप हुआ है उसको आप नहीं देखिएगा। दरअसल ये चीज आप जो आप बता रहे होने का वो जारे की चीज है। अभी होने का मतलब यही है कि दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है 40 41 42 डिग्री, और शाम में ये ड्रॉप होकर 30 29 28 हो जाता है। इस टेम्परेचर में एडेप्टेशन थोड़ा सा बच्चे जो होते हैं उसमें कम होती है, इम्यूनिटी उनका उतना डेवलप नहीं होता है। इस कारण किसी किसी बच्चे में हो जाता है, जो आप लोग अक्सर देख सकते हैं कि 10 में एक ऐसा होगा जो होगा, लेकिन 10 में 8 नहीं हो सकता है। तो बस इस संदर्भ में इतना ही कहेंगे कि उनका टेम्परेचर मेंटेन कीजिए, उसको छाँव में रखिए, नहाइए, उनका न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला जो भी फीड है दूध के अलावा वो खिलाइए। हरा चारा अगर खा रहा है तो वो जरूर खिलाइए, तो फिर इसे बचाव निश्चित रूप से हो जाएगा। भागलपुर के नाथनगर रेलवे स्टेशन परिसर के समीप एक बाइक मालगाड़ी की चपेट में आ गई। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। भट्टा के समीप एक युवक बाइक लेकर रेलवे लाइन पार कर रहा था, उसी समय मालगाड़ी आ गई। युवक आनन फानन में बाइक छोड़कर कूद गया, जिससे उसकी जान तो बच गई लेकिन बाइक ट्रेन की चपेट में आ गई। सूचना पाकर आरपीएफ के जवान घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि दो लड़का बाइक लेकर जा रहा है। उन्होंने आवाज लगाने पर दोनों बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए। आरपीएफ बाइक मालिक का पता लगा रही है।